नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। आज भिवानी के अंदर ये शोभा यात्रा आप देख रहे हैं, गांव घाटा डेपुर में ये बहुत ही तथागत बुद्ध की आज ये जो प्रतिमा है ढाणा लाडनपुर में आज स्थापित होगी। क्षेत्रवासियों के द्वारा भिवानी से दादरी गेट से लेकर गांव ढाणा लाडनपुर तक शोभा यात्रा निकाली जा रही है। युवाओं की बहुत बड़ी संख्या आप देख रहे हैं इस शोभा यात्रा में। और प्रतीकों और परंपराओं से कोई भी व्यवस्था फलती फूलती है, तो हमारे हरियाणा में कोई भी बुद्ध विहार नहीं था, इसलिए हमने गांव में बुद्ध विहार बनाया। एक प्रतीक के रूप में बुद्ध विहार बौद्ध धर्म की व्यवस्था को आगे बढ़ाएगा। और इसको आज धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने विजयदशमी के दिन बौद्ध धर्म अपनाया था, तो हम भी आज विजयदशमी के दिन तथागत की स्टेचू बुद्ध विहार में रख के ये धम्म चक्र परिवर्तन दिवस को और गतिमान करके इस बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और यही सोच रख के हमने ये प्रतिमा रखने का ये दिन चुना था। हमने हमारे बुद्ध विहार का नाम कुटागार शाला बुद्ध विहार रखा है, और लाइब्रेरी उसमें लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी का नाम सप्तपर्णि पुस्तकालय है। बुद्धम शरणम गच्छामि संघम शरणम गच्छामि। आज ये जो क्रांति यात्रा है, किसम से भगवान बुद्ध ने रूस की क्रांति जिस तरह से हुई उसके विपरीत प्यार से अपने धम्म से क्रांति लाने का प्रयास किया, किसी का कत्ल ना हो, किसी को तकलीफ ना हो, किसी को परेशानी ना हो, कोई दुखी ना हो, इस तरह का धम्म ला करके क्रांति लाने का प्रयास किया। आज उस बुद्ध भगवान को हम सत सत नमन करते हैं। आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। आज तथागत गौतम बुद्ध जी की बौद्ध विहार के अंदर मूर्ति की स्थापना होने के लिए जा रही है, और आप लोग देख रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से लोगों में कितनी जागरूकता है और लोगों के मन में कितना उत्साह भरा हुआ है कि आज तथागत गौतम बुद्ध जी की मूर्ति की स्थापना और ये और इस दिवस को ये मतलब एक बहुत ही अच्छे दिवस के रूप में यादगार के नाम से मनाने जा रहे हैं लोग सभी। तो यही संकल्प है कि बहुत धर्म ज्यादा से ज्यादा फैले ताकि इस भारत देश से छुआछूत खत्म हो और सभी को भाईचारे का मौका मिले। आज विशेष दिन इसलिए है कि बाबा साहब ने भी विजयदशमी के दिन ही बौद्ध धर्म अपनाया था, और सम्राट अशोक ने भी विजयदशमी के दिन ही बौद्ध धर्म अपनाया था। करेंगे क्षमा याचना, फिर त्रिशरण पच्छित करके उस पंडाल में जाके अपने प्रोग्राम